ये देखिए फ्रेंड, हमारे कच्चे चावल से कितने टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया। बहुत ही हल्का है, बहुत ही सॉफ्ट बना है हमारा, और खाने में इतना टेस्टी है। आप भी ट्राई करोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नाश्ते से पहले हम चटनी तैयार कर लेते हैं, वो भी टमाटर की चटनी बनाने वाले हैं आज हम। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टमाटर ले लिए हैं। ये हमने बिल्कुल लाल टमाटर लिए हैं, ये मैंने काट लिए हैं, और इनको हम मिक्सी जार में डाल देंगे। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़े डालेंगे, कुछ लहसुन की कलियां डाल देंगे, 2 चम्मच हम नारियल डाल देंगे इसमें, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब जार का हम ढक्कन लगा के इसको पीस के ले आते हैं। चटनी हम पीस के ले आए हैं, तो देखिए हमारी स्मूथ सी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें लगा लेते हैं हम तड़का। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल देंगे लगभग 1 चम्मच। तो ऑयल को हम गर्म होने देंगे, ऑयल हमारा गर्म हो चुका। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता और जीरा हमारा भुन चुके हैं, अब इसमें हम चटनी डाल देंगे। अब इसको हम चला लेंगे और थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट ढक के पकने देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुकी है, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे फिलहाल, और इसको हम चला लेंगे। चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी चटनी तैयार हो गई है नाश्ते के लिए। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, और देखने में कितनी अच्छी है उतनी अच्छी हमारी टेस्टी खाने में भी है। अब हम कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो इसको हम एक तरफ रखते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं कच्चे चावल 1 कटोरी। ये हमने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, पानी हमने इनका अलग कर लिया। अब यहाँ पे ले लेंगे हम मिक्सी जार, और इसमें हम ये डाल देंगे चावल। चावल हमने इसमें ट्रांसफर कर लिए। यहाँ पे देखिए हमने नारियल ले लिया, वो ग्रेट कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। ये हमने 1 कटोरी लगभग ले लिया है। 1 कटोरी यहाँ पे दही ले रहे हैं हम, ताजा फ्रेश। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि हमारे चावल अच्छे से पिस जाए। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1 से 2 चम्मच। अब इसको मैं जार को कवर करके पीस के ले आती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हम इसका पेस्ट बना के ले आए हैं। तो देखिए हमारा इस तरीके से बैटर तैयार हुआ है, और इसमें से नारियल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमने बैटर बनाया है, 1 चम्मच भर के डाल देंगे, और इसको फैला देंगे इस तरीके से। अब इसको हम सिकने देंगे 1 से 2 मिनट। जैसे ही नीचे से सिक जाएगा, फिर हम इसको पलट लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं छुटा के। तो ये देखिए हमारा आसानी से छूट गया है। अब इसको हम पलट लेंगे, तो इसको भी 1 से 2 मिनट इधर से भी सेक लेंगे। अब इसको एक बार देख लेते हैं हम नीचे से। तो ये देखिए नीचे से भी हमारा सिक चुका है। अब इसको हम निकाल देंगे एक प्लेट में। 1 हमारा बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से और तैयार कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हम हल्का सा ऑयल फिर से ही लगा देंगे, फिर हम 1 चम्मच बैटर भर के डालेंगे, तो इसको हम फैला लेंगे। अब इस पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे ऊपर से। अब इसको हम पलट लेंगे। ये भी हमारा देखिए सिक गया है, बहुत ही फटाफट बन रहा है हमारा ये नाश्ता। तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे।
बाकी भी हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे कच्चे चावलों का नाश्ता बनके तैयार हो गया, हल्का फुल्का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हुआ। आप देख सकते हो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी इतना आसान लगता है कि आप एक बार बनाना शुरू करोगे फटाफट सबको बना के खिला दोगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, कच्चे चावलों से भी हम कितनी आसानी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना सकते हो, इसी तरीके से आप भी बना सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।